वेलकम माय न्यू वीडियो पीवीआर बॉक्स ऑफिस चैनल पे आपका स्वागत है। अपन लोग जानेंगे ई आधार, ई श्रम कार्ड और श्रम कार्ड बनाना क्यों ज़रूरी है। अपन लोग मेन अभी टॉपिक फेस करेंगे, अपन लोग देखेंगे डिस्प्ले पे ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं, ई श्रम कार्ड के बेनिफिट क्या हैं और ई श्रम कार्ड क्यों बनाना ज़रूरी है। अपन अभी उसके साइड पे चल जाते हैं। अपन आज मैं ओपन करके रखा हूँ, उसका साइड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड, ठीक है, .eshramcard.government.in पे इसका वेबसाइट है। इसके नीचे आएंगे अपन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका इसमें बाकायदा शो कर दिया है। आधार नंबर, ठीक है, आधार लिंक, मोबाइल नंबर एक्टिव जो भी चालू होना चाहिए, तत्काल में OTP आएगा। बैंक डिटेल्स यानी बैंक अकाउंट नंबर जो आपको इस पर अटैच करना है। उसके बाद आपका एज कम से कम प्रूफ करने के लिए, तो आधार कार्ड आपका है तो प्रूफ कर देगा, लेकिन आपका एज 16 से 59 के बीच में होना चाहिए, उससे कम भी नहीं उससे ज़्यादा भी नहीं। ये आपका डेट ऑफ बर्थ का दिया 2005 हाईएस्ट, ठीक है, और ऊपर उससे जाएंगे तो आपका 1961 पे है आपका, मतलब वही 1961 के समथिंग का। तो ये आप लोग देख रहे हैं इसका सेल्फ रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। अब इसमें क्या है, मेरा वैसे बना हुआ है, मैं बना चुका हूँ फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या है इसमें अपन लोग करेंगे, मेरा कर रहा हूँ मैं 7, ठीक है, ये अपन मैं सिक्योरिटी की वजह से मैं रोक के रखूँगा, ठीक है ना। उसके बाद जितना कैप्चर कोड जो डाला हुआ है कैप्चर, उसको आपको वैसे ही एकदम सेम डालना है। तो अपन लोग डाल देते हैं क्योंकि सारे सारे कैपिटल में हैं, तो N4 9 C 7 T ये आपका होगा कैप्चर कोड। यहाँ पे इसको दोनों को नो रखना है क्योंकि अपन कोई भी किसी भी कंपनी के अंतर्गत और किसी विभाग में अपन काम नहीं कर रहे हैं, अपना इंश्योरेंस नहीं है। तो इंश्योरेंस होगा तो यस कर दीजिएगा, इंश्योरेंस नहीं है तो नो कर दीजिएगा। वैसे अपन लोग नो ही रखेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है जनरेट द OTP यानी सेंड OTP। आपका जो मोबाइल नंबर लिंकेड होगा इससे आधार कार्ड से या इस नंबर पे, आपका ये जो ऊपर डाले हैं अपन लोग, ये क्योंकि लिंक मोबाइल नंबर है मेरा तो आधार कार्ड से, तो इस पे आएगा OTP आएगा, ठीक है। तो ये सेंड बटन पे अपन क्लिक कर दिए, अब कुछ ही सेकंड में इसका OTP सेंड होगा, देखिएगा। अब ये OTP सेंड हो गया, अब मेरे मोबाइल पे जैसे ही आएगा देखिएगा तुरंत अपन लोग OTP डालेंगे। ये आ गया, ठीक है, 1446 23। तो अपन 1446 23 ये आपका देखिए ऑटोमेटिक सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, सबमिट कर दिया। अब इसमें आधार नंबर अपन डालते हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपन आधार नंबर अपन होल्ड करके रखेंगे, तो अपन लोग आधार नंबर डाल दिए हैं। उसके सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। तो उसके बाद नीचे आने पे आपको ये जो एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट का, इसमें लिखा है आई एग्री विथ द टर्म एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ई श्रम कार्ड पोर्टल, ठीक है। मैं श्रम कार्ड के तहत जो भी पंजीकरण नियम शर्त के अनुसार सामूहिक रूप से, मतलब एक तरह से हम सही सही डालेंगे और कहते हैं हमें सब मंजूर है, तो ये सबमिट कर देना अपने को। सबमिट करते के साथ न्यू पोर्टल खुल जाएगा, न्यू पेज, उसको फार्म को जो आपको डालना है, ठीक है। वेलकम रविशंकर सिंह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा क्योंकि राशन का ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अब यहाँ पे अपडेट ये प्रोफाइल दिया हुआ है, तो मैं अपडेट प्रोफाइल अगर करूँगा या तो डाउनलोड कार्ड कर दूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये मेरा आ गया पूरा डिटेल्स, मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा यहीं से। और या अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है या उसमें कुछ अपडेट वगैरह करना होगा तो अपन लोग इससे बैक जाएंगे, पीछे एक बार बैक, ठीक है। यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल दिया तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसमें जो भी ये सारे के सारे अपन लोगों को फिलअप करने होते हैं, तो मैं सारे के सारे भर चुका हूँ, देखिए मैं दिखाते जा रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ में होगा। इसमें जो जो मैंने अपना भरा है वो सारे के सारे डाल चुका है मैंने, तो ये
कंप्लीट वो ऐसे भी है, मेरा सारा डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें और कुछ आपको ऐड नहीं करना है, मेरा तो वैसे ही कंप्लीट है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अपन इसको बाहर आ जाते हैं, ठीक है, बैक। अब ये एड्रेस उसके बाद डालना है, ऐसे ही करके ये सारे के सारे फार्म भरने होंगे आपको। इसमें मैंने तो भर चुका है पहले से ही, तो ये मेरा सारे का सारा डिटेल्स भरा हुआ है इसमें, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब ये सारे के सारे आपको ये जैसे आप जो देख रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशन, ठीक है, इनकम, फिर आपका ये आपको अपॉर्चुनिटी सी, मतलब आपके एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगा या स्किल, आपको क्या जानकारी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स। उसके बाद ये लास्ट हो गया आपका प्रीव्यूस, आपका प्रोफाइल जो आपको बनने के बाद जो शो करेगा, किस टाइप से शो करेगा, इस टाइप का, देखिए इस टाइप का शो करेगा, ये मेरा अकाउंट है, इस टाइप का वीडियो में देख रहे हैं, इसी टाइप का बनेगा। और अब अपन आ जाते हैं बैक करके, ई श्रम कार्ड क्यों ज़रूरी। आप देखे होंगे कि जब कुछ दिन पहले अपने यहाँ बहुत भारत में, क्या भारत में, क्या सारे देशों में ही जब ये आपातकालीन स्थिति आ गई थी लॉकडाउन की, तो क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को निकालते हैं राशन कार्ड जिसके पास था, जो अपन लोगों के जैसे लेबर वर्ग में रजिस्टर्ड थे, तो उनको राशन कार्ड बीपीएल धारी यानी जैसे गरीबी रेखा के नीचे वाले जो थे, उनको जिनका रजिस्ट्रेशन था, जिनके पास राशन कार्ड था, उनको तो चावल दाल खाने पीने का राशन मिला, ठीक है। और जितने लेबर वर्ग में लोग हैं ये उनको पता चलेगा, ठीक है, उनको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें एक और होगा कि जैसे आप देखेंगे लॉकडाउन में सबके खाते में 500-500 रुपया था, तो ये आपका जो ई श्रम कार्ड में जो आप खाता एंटर किए हैं, तो अगर ऐसा कोई विपदा दोबारा कोविड जैसे, अगर या कोरोना जैसा कोई और बीमारी आता है या कोई संक्रमण आता है, जैसे भारत में आपातकालीन स्थिति खड़ा हो, तो आपके खाता में पैसा भेजने में सरकार को, या कोई भी ऐसा कोई विपदा है जिससे या छूट या कुछ भी लेबर पेमेंट, या आप काम ही करते हैं मान लीजिए ई श्रम कार्ड के तहत, तो आपके खाते में ही डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, ये आपका एक सुविधा होगा। और ई श्रम कार्ड बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नहीं बना होगा तो आप कोई भी काम करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका उसका एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ठीक है, आपका जानकारी के लिए ठीक है, आप पढ़ाई किए हैं तो ठीक है, आपको आप कर ले रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं पढ़ाई किया है तो उसका कैसे साबित होगा कि वो काम जानता है। तो ये ई श्रम कार्ड यही एक जरिया है, इसमें प्रूफ होगा कि आप इतने दिन से इसके अंतर्गत, इस सरकारी काम के अंतर्गत आपने इतने साल का काम किया है और इसका आपके पास एक्सपीरियंस है। आपका इस लेबर कार्ड, मतलब एक तरह से बोलूँ इसको लेबर कार्ड भी बोल सकते हैं आप, और इस श्रम कार्ड बनवाने का यही फायदा है कि आपको क्या कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, क्योंकि आप इसके अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट ये जो है आप देख रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये एड्रेस, एजुकेशन, इनकम, अपॉर्चुनिटी, स्किल्स, मतलब मेरे को थोड़ा सा बोलने में जबान लड़खड़ा रहा है, और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब जो है आप सारे के सारे पहले ही फिलअप कर चुके हैं, तो आपको और भी कोई नए जानकारी नहीं देना होगा। जो सारे के सारे आपके इसमें, जैसे आधार कार्ड में आधार कार्ड नंबर डालते हैं, उसमें भी वैसे भी इसमें भी आप देखे ही होंगे, मेरे जो बनाया था मैंने उसमें मतलब नंबर आया है इसका, तो उसको डालते ही सारे के सारे आपके डिटेल्स उसके पास आ जाएंगे अगले के डेस्कटॉप पे या सिस्टम पे। और ये मैंने ये जो देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल से मैंने बनाया, तो मोबाइल से आप भी बना सकते हैं। आप ये रजिस्ट्रेशन देख ही रहे हैं, registration.ishram.government.in पे आप वेबसाइट पे जाइए, इस पे बाकायदा आपका साफ सुथरा आपको लिखा हुआ दिखेगा, आपको क्रिएट द श्रम कार्ड आईडी, तो आप अपना लिंक, मोबाइल नंबर वो डालिए, कैप्चर कोड डालिए, उसके बाद भरिए पूरा फॉर्म, साफ सुथरा हिंदी में भी लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है। अगर किसी को नहीं बन पाता है तो आप मुझे क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, मैं आपका बना के दे सकता हूँ, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं आपको किया जाएगा। आप बेहतरीन, आप एक अपने मेरे खुद के आप सब्सक्राइबर हैं, और मैं चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पे लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।